Hey bros, welcome to my channel where we talk about skincare, styling and grooming. In the case if you don't subscribe the channel, please make sure you are subscribed and press the notification button so that you will be notified when I posted the video. Acha, in today's video I am going to share a skincare brand review by a Pakistani brand SL Basics. Acha yaar, if you not familiar with this brand, this is brand by a Pakistani famous actress Shaista Lodhi. She is also a dermatologist. Yaar, I like the fact that जब भी पाकिस्तान में कोई बंदा skincare के लिए work करता है, क्योंकि skincare is all about self care के यार आप अपने बारे में केयर करना चाहते हो, अपनी स्किन को किस तरह ट्रीट करना चाहते हो। अब सबसे पहली बात यार, स्किन केयर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह के हम लोग पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं और सन से इंटरेक्ट होता है हमारा, तो सन में काफी मतलब फ्री रेडिकल्स वगैरह होते हैं और पोल्यूशन की वजह से हमारी स्किन पे काफी मतलब इश्यूज वगैरह हो जाते हैं। जिस तरह आपको बकाया कोई हेल्थ इशू होता है, आप डॉक्टर के पास जाकर उसको ट्रीट कराते हो, इसलिए स्किन केयर इशू को भी आपको जाकर चाहिए कि आप ट्रीट करो। अब मसला कहाँ पे आता है यार, सबसे पहले तो जब भी पाकिस्तान में कोई सेलिब्रिटी वगैरह स्किन केयर लॉन्च कर दे तो हम उनसे इन्फ्लुएंस होकर उन स्किन केयर ब्रांड को जाकर बाय करने लग जाते हैं, क्योंकि असल में हम लोग स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स को नहीं देख रहे होते, उसके पार पीछे देख नहीं रहे होते क्या इसकी फॉर्मुलेशन वगैरह क्या है। हम जस्ट सिर्फ उस सेलिब्रिटी को देखिए उस स्किन केयर को बाय कर रहे थे, क्योंकि हम लोग कहते हैं यार क्या स्किन है यार उस बंदे की, ये वो। यार असल में जब वो एज अ टीवी पे काम कर रहे थे, उसमें बहुत ज़्यादा कैमरा वर्क होता है और बहुत ज़्यादा उसमें फिल्टर्स वगैरह यूज़ हुए होते हैं, तो उनकी स्किन काफ़ी फ्लॉलेस वगैरह लग होती है। लेकिन असल में इंसानी स्किन फ्लॉलेस नहीं होती यार, उसमें पोर्स एग्जिस्ट करते हैं और आप बिल्कुल भी पोर्स के साइज को मिनिमाइज नहीं कर सकते, आप जब उसे श्रिंक कर सकती हो। तो यार सबसे पहले आज हम ब्रांड का डिटेल में रिव्यू करेंगे। मैंने इनकी ब्रांड के काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, लेकिन रिसेंटली नहीं, मैंने काफ़ी मतलब 6-7 मंथ पहले यूज़ किए हैं, तो मैंने मतलब काफ़ी प्रोडक्ट यूज़ किए, तो मैं आपके साथ इसका मतलब काफ़ी डिटेल में रिव्यू शेयर करने जा रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो के एंड तक क्लास में देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि वो कौन कौन सी प्रोडक्ट इनकी ब्रांड की मतलब जो आपकी स्किन के लिए वर्क करती हैं, और वो कौन सी मतलब प्रोडक्ट हैं यार जो मतलब आप लोगे तो जो बिल्कुल एवरेज है, मतलब ठीक है, वर्क करती भी है नहीं भी करती, स्किन टू स्किन वेरी करता है, और वो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो बिल्कुल आपकी वेस्ट ऑफ मनी है। अब सबसे पहले यार किसी भी ब्रांड के बारे में आपको दोनों एस्पेक्ट्स को देखना चाहिए, उसकी पॉजिटिविटी क्या और उसकी नेगेटिविटी क्या। सबसे पहले हम पॉजिटिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे यार तुम लोग देख लेते हो कि प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है वो लिटरली काफ़ी मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की है, या आपको कार्डबोर्ड पैकेजिंग में प्रोडक्ट मिलती है और इस तरह अंदर और प्रोडक्ट आपको रिसीव होती है। और सबसे अच्छी बात जो प्रोडक्ट है उसका मतलब क्वांटिटी बहुत है, हर प्रोडक्ट आपको काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिलती है, मतलब आपके 4 से 6 महीने इजीली आपकी प्रोडक्ट निकाल लेती है। लेकिन ये तो हो गई इसकी पॉजिटिविटी। अब मैं नेगेटिव एक्सपेक्ट आप इसको कह सकते हो मेरे नज़दीक ये है कि यार इन लोगों ने मतलब मॉडर्न स्किन केयर इंग्रीडियंट्स को नहीं यूज़ किया, क्योंकि आजकल स्किन केयर काफ़ी मतलब एडवांस हो चुकी है, नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी है। आजकल बहुत ऐसे मॉडर्न इंग्रीडियंट्स हैं जो आपकी स्किन पर दस्तयाब करते हैं, लेकिन अपनी इन्होंने अपनी मतलब के स्किन केयर लाइन में या फॉर्मुलेशन में इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक प्रेफर किए और मॉडर्न इंग्रेडिएंट्स को नहीं प्रेफर किया गया। और दूसरी बात मुझे इनके बारे में ये बुरी लगी कि यार इन लोगों ने बिल्कुल भी फॉर्मुलेशन के बारे में तो बताया हुआ कि इंग्रेडिएंट्स क्या है, लेकिन ये नहीं बताया हुआ कि किस क्वांटिटी में, क्योंकि जब तक एक एज अ मैं व्यूवर की नजर से देखूँ या एज अ कस्टमर की तरीके से देखूँ तो मुझे नहीं पता कि यार इन लोगों ने प्रोडक्ट में कितनी क्वांटिटी में क्या इंग्रेडिएंट को ऐड किया, क्योंकि कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हाई क्वांटिटी में आपकी स्किन पे वर्क करते हैं और कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो लो क्वांटिटी में आपकी स्किन पे वर्क करते हैं। तो ये बात आप इसको नेगेटिव कह सकते हो, क्योंकि मेरे नज़दीक पैकेजिंग और क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्किन केयर ब्रांड की वो कौन सी प्रोडक्ट है जो आप बाय कर सकते हो जो आपकी स्किन पे वर्क करेंगी। तो सबसे पहले यार जो मेरी फेवरेट प्रोडक्ट है वो है यार इनका ये फेस वॉश। ये जैसे तुम लोग देख सकते हो मैं कंप्लीट यूज़ कर चुका हूँ, ये है इनका लेमन फेस वॉश। अब सबसे पहले यार ये ऑर्गेनिक ब्रांड है, इन लोगों ने ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया है। पहले मैं बता दूं ऑर्गेनिक इज़ नॉट ऑलवेज दी बेस्ट, लाजमी है कि आपके स्किन पे ऑर्गेनिक जो इंग्रेडिएंट्स है वर्क करें, ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट लेकिन आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाता, ये इनकी पॉजिटिविटी है। ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स मतलब काफ़ी टाइम में वर्क करना स्टार्ट करते हैं, मतलब आपको एटलीस्ट किसी भी प्रोडक्ट को 2-3 महीने देने पड़ेंगे। लेकिन मुझे इनके फेस वॉश के बारे में क्या बात अच्छी लगी, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एलोवेरा है, एलोवेरा आपकी स्किन को स्मूथ करता है, उसके अलावा जो है उसमें रोज वाटर है जो आपके स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है, लेमन है जो आपकी स्किन को ब्राइटनिंग प्रोवाइड करता है लेकिन अगर इसको स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन के साथ यूज़ किया जाए, उसके अलावा आलमंड बटर और पेपरमेंट है जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइजिंग फैक्टर प्रोवाइड करती हैं। यार कोई भी अच्छा फेस वॉश अगर आपने देखने को वर्क करता है कि नहीं, तो आपने जस्ट उसे फेस वॉश करना है, और अगर आपने देखना है कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है कि नहीं, मतलब आपकी स्किन में से असेंशियल ऑयल्स को तो नहीं निकाल देता। ये मतलब एक काफ़ी रॉ सा फेस वॉश है, मतलब काफ़ी ऑर्गेनिक फील आती है आपको यूज़ करने के बाद, आपकी स्किन बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ड्राई आउट नहीं होती, आपकी स्किन मॉइस्चराइज फील करती है। तो ये फेस वॉश मुझे बहुत अच्छा लगा। और सेकंड नंबर पर इनका हनी फेस वॉश भी है, वो भी मैंने यूज़ किया, वो भी बहुत अच्छा इंग्रीडियंट है, उसमें भी हनी है, उसके अलावा पेपरमेंट ऑयल वगैरह यूज़ किए गए हैं। तो मतलब कि इंग्रीडियंट्स इनके अच्छे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता क्या स्पेसिफिक अमाउंट में डाले हुए हैं, तो मुझे वहाँ से मतलब थोड़ा इशू होते हैं। लेकिन ये फेस वॉश इनके ब्रांड के फेस वॉश ओवरऑल अच्छे हैं। आपकी स्किन को जो बेनिफिट के लिए आप यूज कर रहे हो आपको बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, आपकी स्किन को एक्स्ट्रा ड्राई आउटिंग करते हैं और आपकी स्किन को मतलब एक ब्राइटन अप लुक देती हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो मुझे प्रोडक्ट अच्छी लगी वो है यार इनका मड मास्क। ये मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ यार, पैकेजिंग बहुत मजे की है। ये है अभी लेमन मड मास्क। अब इसके इंग्रेडिएंट्स में भी क्या क्या इंक्लूड है, इसके इंग्रेडिएंट में है मुल्तानी क्ले जो आपकी स्किन में से असेंशियल ऑयल्स को कंट्रोल करती है। वैसे ये जो इनकी क्या नाम है लेमन सीरीज है ये हैवी ऑयली स्किन के लिए। उसके अलावा जैस्मिन ऑयल है, सोपरो का जो आपकी इन्फ्लेमेशन पे वर्क करता है, रोज वाटर है, वाइटामिन सी है जो आपकी स्किन के अगर आपको परे हुए एक्ने के बाद जो निशान परे हैं तो वर्क करता है। ये जब अपनी स्किन पे आप अप्लाई करते हो आपको थोड़ा सा टिंगल करता है, मतलब आपको थोड़ा फील होता है कि आपकी स्किन पे टिंगलिंग सेंसेशंस आ रही हैं। लेकिन ये काफी अच्छा है कि आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है और अगर आपकी काफी ऑयली स्किन है तो ये आपकी स्किन में से ऑयल के अमाउंट को भी कंट्रोल करता है। तो यार ये तो थी इनकी तरफ से बेस्ट प्रोडक्ट जो आप बाय कर सकते हो। अब सेकंड नंबर पे आते हैं कि वो कौन सी एवरेज प्रोडक्ट है कि यार मतलब कि आप चाहो तो बाय कर सकते हो वरना मतलब एवरेज है, इससे अच्छी मार्केट में और बहुत से प्रोडक्ट अवेलेबल है। सबसे पहले नंबर पे तो आता है इनका गोल्डन पर्ल सीरम। यार मतलब उसकी बहुत हाइप क्रिएट की गई है इन लोगों इनकी ब्रांड की तरफ से। उसके इंग्रेडिएंट में क्या क्या, पर्ल ऑक्साइड। पर्ल ऑक्साइड सबसे पहले क्या करता है, मतलब ये जो आप इन्होंने इसको एज अ प्रमोट किया व्हाइटनिंग के लिए, ये आपको व्हाइटनिंग नहीं प्रोवाइड करता पहली बात। पर्ल ऑक्साइड क्या करता है आपकी स्किन के ऊपर कोलेजन की अमाउंट को बूस्टअप करता है। उसके अलावा इसमें गोल्ड इंक्लूड है। गोल्ड के असल में जहां तक साइंटिफिक ने प्रूव है कि इसके मतलब इतने कोई खास आपकी स्किन के लिए बेनिफिट नहीं है, लेकिन जो गोल्ड है वो असल में आपकी स्किन की एंटी इन्फ्लेमेशन पे वर्क करता है। मतलब आपको जो पिगमेंटेशन के निशान पड़ जाते हैं, आपकी स्किन पे जो छाइयाँ वगैरह होती हैं, फ्रेकल्स वगैरह होती हैं, उस पर वर्क करता है। उसके अलावा एलोवेरा जो आपकी स्किन को सूद प्रोवाइड करता है। उसके अलावा रोज वाटर जो स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है। मतलब ओवरऑल मतलब इज अ क्वाइट मतलब बेसिक सीरम है जो आपकी स्किन को ना एक्स्ट्रा कोई लेवल की प्रोवाइड करता है और अपना जो बेसिक पर्पस है वो सर्व करता है। लेकिन इससे अच्छी मार्केट में बहुत अवेलेबल प्रोडक्ट है जो आप बाय कर सकते हो। उसके बाद सेकंड नंबर पे इनका आता है विटामिन सी सीरम जो बिल्कुल बेसिक है। मुझे इशू ये है कि इन लोगों ने उसके इंग्रेडिएंट शो ही नहीं किया कि कितने परसेंट अमाउंट ऑफ विटामिन सी इन लोगों ने डाला हुआ है, क्योंकि एक अच्छा विटामिन सी का सीरम वो होता है जो आपको कम अज कम मिनिमम 20% एस्कॉर्बिक एसिड प्रोवाइड करे। तो मुझे वहां से इशू है कि यार इन लोगों ने उसके बेसिक इंग्रेडिएंट प्रोवाइड नहीं किया कि कितनी अमाउंट में इन लोगों ने ऐड किया हुआ है। इनका पिंक लिप सीरम है जो ये कहती है कि आपके जो लिप्स हैं उसको हाइड्रेट रखता है, उसके जो कलर्ड है उसको भी थोड़ा मतलब प्रमोट करता है, मतलब पिंकिश करता है आपके लिप्स को। असल में यार एक बिल्कुल मतलब नॉर्मल सा सीरम है, आप अपने लिप्स वगैरह पे लगाते हो तो इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन उससे बेटर काफी मार्केट में लिप बाम्स हैं और उसके अलावा लिप टिंट्स हैं जो आप यूज कर सकते हो, जो असल में आपके जो लिप्स हैं उसको बेनिफिट पहुंचाते हैं और आपके जो कलर है लिप्स का उसको भी थोड़ा चेंज करते हैं। अच्छा ये तो थी इनकी तरफ से जो एवरेज प्रोडक्ट जो आप बाय कर सकते हो, जो मतलब डिपेंड करता है आप पे। अब सबसे ज्यादा मसला मुझे यहाँ पे कि जो वर्स प्रोडक्ट्स हैं असल में हैं तो इन गैरिक मैंने भी क्यों बाय किया, क्योंकि मुझे उनके इंग्रेडिएंट सूट किए। लेकिन यार इंग्रेडिएंट के साथ साथ फॉर्मुलेशन भी मैटर करते हैं कि वो आपकी स्किन के गोज जा रहे हैं कि नहीं, आपकी स्किन के लिए वर्क कर रही है यानी कि सबसे 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 घटिया जो मुझे मतलब लगी है ना वो ये है क्या नाम है इसका, ज़ैफ़रॉन ग्लो क्रीम। या सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स तो मुझे अच्छे लगे थे। आयोनाइज वाटर है, विटामिन ए बी है, B3 है, नायासिनामाइड है जो ऑयल के अमाउंट को कंट्रोल करता है, ज़ैफ़रॉन है जो एक ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट है, एंटी इन्फ्लेमेशन पे वर्क करता है, जिंक डाइऑक्साइड है जो आपके फ्री रेडिकल से वर्क करता है, आर्ब्यूटिन है, अल्फा आर्ब्यूटिन जो आपकी स्किन की पिगमेंटेशन पे वर्क करता है। लेकिन मसला ये है कि यार ये अगर आपकी ऑयली स्किन है तो यार बिल्कुल भी यूज ना करो। पहले नंबर पर तो ये स्किन में बिल्कुल भी अब्सॉर्ब नहीं होता, आपकी स्किन पे व्हाइट कास्ट छोड़ जाता है और आपको वाकई फील होता है कि आपकी स्किन पे कोई व्हाइट कास्ट है। तो मतलब यार ये मुझे इस लिहाज से बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। और उसको लगाने के बाद इतनी स्वेटिंग होती है, मतलब यार आप कहते हो यार मैं जाके अच्छा मुंह धो ही लूं दोबारा, तो यार इसका कोई फायदा नहीं है, जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। और उसके बाद सेकंड नंबर पे यार जो मैं इनकी तरफ से एक डिसअपॉइंटेड हूँ, सबसे पहले तो यार इनका है कि बॉडी बटर। ये मेरा इतना फेवरेट था, मतलब मैंने इसकी पहले एक बोतल यूज की है, ये मतलब तो मेरी 6 महीने चले गए। ये आपकी जो बॉडी है उसको मॉइस्चराइज रखते हैं स्पेशली विंटर्स वगैरह के सीजन में। उसके अलावा अगर आपकी बॉडी पे पिगमेंटेशन वगैरह है तो उस पर भी वर्क करता है। तो मुझे इसकी फॉर्मुलेशन इतनी अच्छी लगी, मैंने पूरी बोतल यूज की और मैंने दोबारा मंगवाई। लेकिन यार जब मैंने दोबारा मंगवाई तो भाई साहब इन लोगों ने पूरी फॉर्मेशन ही चेंज कर दी है, क्रीमी फॉर्म में कर दिया, वो आपकी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब भी नहीं होता और एक वॉइस की तरह एक व्हाइट कास्ट छोड़ देता है जो मुझे इरिटेशन प्रोवाइड करता है। तो वो मतलब बिल्कुल भी आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल नहीं है, वो भी जस्ट कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी। और उसके अलावा इनका एंटी एक्ने सीरम है। यार मुझे इतना मतलब देख के इंग्रेडिएंट में मसला हो रहा था कि उसमें एक भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है एंटी एक्ने सीरम में जो आपकी एक्नेस पे वर्क करे। इसमें उन लोगों ने इंक्लूड किया हुआ मरगोसा जस्ट लाइक नीम है। नीम किसी की स्किन को सूट करता है, किसी की स्किन को सूट नहीं करता, तो उसके लिए आपको इतना बेनिफिशियल नहीं है। उसके अलावा एलोवेरा है, उसके अलावा वाइल्ड टर्मरिक है। एलोवेरा आपकी स्किन को सूट करता है और जो टर्मरिक आपकी स्किन को पिगमेंटेशन दूर करता है। मतलब कोई भी ऐसा एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपकी एक्ने पे वर्क करे। हमेशा एक्ने प्रोन स्किन के लिए वो इंग्रेडिएंट काम करते हैं जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, जैसे सैलिसिलिक एसिड बेस्ट है एक्ने प्रोन स्किन के लिए, उसी तरह ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ट है एक्ने प्रोन स्किन के लिए। इसी तरह के मतलब काफ़ी इंग्रेडिएंट जो आप मेरे चैनल पर रिव्यू कर सकते हो, मैंने उसके बारे में काफ़ी बात की हुई है। लेकिन यार ये जस्ट कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी है। तो यार ये मैंने डिटेल में आपके साथ रिव्यू शेयर किया था कि आप लोगों को कोई भी चीज़ बाय करते हुए पता हो कि यार वो ब्रांड आपको क्या प्रोवाइड कर रही है। आपने जस्ट उसकी प्रमोशन को, एडवर्टीजमेंट को देख के नहीं बाय करना, आप लोगों ने उसकी इंग्रेडिएंट्स को देख के बाय करना। और मैं बाई बात करूंगा ऑर्गेनिक इज नॉट ऑलवेज दी बेस्ट, और कभी भी स्किन केयर इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होके कभी भी कोई चीज बाय ना किया, पहले अपनी पूरी उसको रिसर्च किया करो, क्योंकि अपनी स्किन के बारे में जानना आपका हक है। जिस तरह आप अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो, तो यार अपनी स्किन को भी लेके कॉन्शियस होना स्टार्ट हो जाओ। स्किन केयर नेसेसरी है, स्किन केयर लाजमी है। आपने स्किन केयर लाजमी वाइट होने के लिए नहीं करनी, आपने स्किन केयर इसलिए करनी ताकि आपकी स्किन ग्लोई रहे, हेल्दी रहे। कि आज की वीडियो अगर आपको चैनल पसंद आई है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, भाई को प्रमोट करो, फ्रेंड्स वगैरह सर्कल्स वगैरह में शेयर करो जिनको स्किन केयर के इश्यूज हैं। और उसके अलावा भाई को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ओके बाय।